मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि आपके घर आने की हिम्मत नहीं थी। जब मैं उस घर से निकली थी तो बहुत ही गुमी थी, पर आज मैं गलत साबित हो गई। दर्ज से तो माफी मांगने की हिम्मत नहीं है, इसलिए सोचा आपसे ही मांग लूं। I'm very happy आंटी, आपने दर्श के लिए जो लड़की ढूंढी वो उसके लिए परफेक्ट। दर्श बहुत खुश है उसके साथ। किस लड़की की बात कर रही हो तुम? उसकी मंगेतर की, जिसके साथ अभी उसका गोलधाना हुआ है, नंदिनी। एक तो दर्श और नंदिनी का रिश्ता तो हुआ नहीं, ऊपर से गोरधानी की रस्म पूरी हो गई। अब क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस अभी अभी मुलाकात हुई उन दोनों से, मैं मंदिर गई, इतने टाइम बाद दर्श की आवाज सुनी और दर्श बन गई माला, बहुत खूबसूरत बनी है। सच सच कहूं तो जितना ख्याल नंदिनी उसका रखती है मैं कभी नहीं रख पाती। मेरी चिंता भी शायद दया बनकर ही निकलती। नंदिनी ऐसी नहीं है, वो अलग है। वो हर कदम दर्श का बस हौसला बढ़ाती रही, उसको ये एहसास दिलाती रही कि वो किसी से कम नहीं है, बिल्कुल आपकी तरह थी। वो दर्श को एकदम नॉर्मल ट्रीट करती। सच में नंदिनी से बेटर लड़की दर्श के लिए हो ही नहीं सकती, ना ही दर्श को और ना ही नंदिनी को तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत है। आंटी अब गलत समझिए, मैं किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने नहीं आई, बस माफी मांगने आई। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मेरे दर्श से इसलिए शादी नहीं की क्योंकि वो देख नहीं सकता था। राज मेरा पति देख तो सकता है पर अक्सर एक दूसरे से नजरें चुरा लेते हम लोग। उसकी नजरें तो ठीक है पर एक दूसरे को नजरअंदाज करना सीख ले। हम पूरे होकर भी अधूरे हैं और दर्श जिसे मैं अधूरा समझती थी वो नंदिनी के साथ हर तरह से पूरा है। और अच्छा ही हुआ कि मैं आज नंदिनी से मिल ली, वरना ये बात मैं शायद कभी नहीं रियलाइज कर पाती। क्या हुआ? यार मैंने कभी रियलाइज ही नहीं किया था कि मेरी इस गलती की वजह से भाई कभी प्यार ही नहीं कर पाएंगे। यार मैंने भाई को समझाने की बहुत कोशिश की कि क्या पता नंदिनी ऐसा ना सोचती हो, कि हो सकता है कि जिस सिचुएशन में आप हो वैसे ही नंदिनी आपको पूरे दिल से एक्सेप्ट करे, बट वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे बाबा चेयर अप, अभी एक घंटे में तुम्हारा बर्थडे है और तुम देखो ऐसे मुंह लटका कर खड़े हुए हो। थोड़ा टाइम दो उनको और देखना कुछ टाइम में ना दर्श भैया खुद नंदिनी से जाकर अपने दिल की बात कहेंगे। और वैसे तुमने भी तो कितना टाइम लगाया था मुझे प्रपोज करने में, याद है? इतना सिंपल नहीं है यार चार्मी, दर्श भाई नंदिनी को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्हें और ज्यादा चिंता होगी कि कहीं उनकी वजह से नंदिनी की लाइफ खराब ना हो जाए। ओके फाइन, अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे और स्पेशली आज के दिन मुझे पता है तुम्हारा मूड कैसे ठीक करना है। वेट, क्या करने वाली हो? आओ तो सही, बट क्या है? तुम्हारे चेहरे पर ये डर, पर वैसे अच्छा हुआ ना मैंने इतने क्यूट लड़के को जल्दी से फंसा लिया, वरना तो पता नहीं कौन सी लड़की तुम्हें उड़ा कर ले जाती। सच में क्यूट लगता हूँ मैं तुम्हें? बहुत क्यूट। दर्श साहब
आपकी पसंद भी ने बिल्कुल लेवन। उस समय का इतनी लंबी थी ने ये एकदम लंबी। दर्शक सब बिल्कुल मैचिंग हाइट। कानूरा मेरे साथ कंजूसी करने की क्या जरूरत थी? अगर मुझे भी एक दो इंच लंबाई दे देता तो क्या चला जाता तेरा? और वैसे भी जिसको देता है तो उसको सब कुछ देता है। क्या पढ़ी लिखी थी और क्या पटर पटर इंग्लिश बोल रही थी और इतनी सुंदर भी थी। हाँ और क्या भारी लिपस्टिक लगाई थी ना उसने। पर अकल का घास चढ़ने गई थी उसकी जो इतने अच्छे आदमी की कदर नहीं की। वैसे अगर मैं भी लिपस्टिक विपस्टिक लगा लूं ने तो मैं भी अच्छी दिखूंगी। नंदू मैंने खीर रखी थी तेरे लिए, तूने खाई या नहीं? नंदू आशू छे, ये ऐसे आधार कार्ड की फोटो की तरह चेहरा क्यों बनाया तूने? ऐसा क्या बोली जा रही है? कैसा चेहरा? मैंने तो कैसा भी चेहरा नहीं बनाया ने? मैं भी ना क्या डूबी हूँ, पता नहीं क्या पागलपन कर रही थी। बादाम देना। शोभित आए तो उसे सर्व कर दे। मुझे पता है शोभित भाई को ये दूध पाक बहुत पसंद है, आज उनके हैप्पी बर्थडे है ने? तुमसे जितना कहा जाए उतना ही कर। मॉम, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलो। मॉम मैं जानता हूँ कि भाई का गोड़दाना नंदिनी के साथ गलती से हो गया और आप सोच भी रहे होंगे ना कि वो गोड़दाना टूट जाए, बट मॉम मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये रिश्ता मत तोड़िए। क्योंकि मॉम क्योंकि मॉम क्योंकि भाई को नंदिनी से प्यार होने लगा। क्या? हाँ मॉम। ऐसे कैसे हो सकता है? दर्श और नंदिनी का कोई मेल ही नहीं। दर्श पढ़ा लिखा है, नई सोच का लड़का है, उसका वाली नंदिनी के साथ कैसे रहेगा? वो कैसे एडजस्ट करेगी हमारे साथ और दर्श कैसे एडजस्ट करेगा? नहीं नहीं ये सही नहीं है। दर्श गोड़दाना भूल जाए, उसमें उसकी भलाई है। अरे रे 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 हाय हाय, फिर मेरी नंदिनी का क्या होगा? हे राजवीर, भगवान के सामने वचन हो गए तो हमने तो दिल से दामाद मान लिया है दर्श भाई को। अच्छा, कुछ दिन पहले जिस पर गाय चुराने का इल्जाम लगा रहे थे अब उसे दामाद समझ लिया है? राजवी बेन भूल जाइए ना पुरानी बातों को, मैं तो सारे गिले शिकवे भूलकर अपने लाड़ के दामाद के लिए शगुन लेकर आई हूँ। आप देखेंगी नहीं कि मैं शगुन में क्या लाई हूँ? अंधे की लाठी। आपको तोहफा पसंद नहीं आया क्या राजवी बेन? How dare you? तुम दर्श के लिए वॉकिंग स्टिक लेकर आई हो? अब राजवी बेन तोहफा तो वही होना चाहिए ना जो सामने वाला वापर सके। अब जो दामाद देख नहीं सकता उसके लिए इस लाठी से बेहतर और क्या तोहफा हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है राजवी बेन, गोड़धाना हो गया तो मैं अपनी सोने का अंडा देने वाली उस मुर्गी को आपके घर भेज दूंगी? तुझे गोड़धाना मजाक लगता है नंदू? भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद होता है वो,
तो दर्श साहब के साथ गोलधाना कैसे कराई? तो खड़ी क्यों रह गई वहाँ पे? मैं जानती हूँ बिग बहन, मैं क्या करती? दर्श साहब को सच्चाई बताना भी तो जरूरी था ने कि निराली बहन उन्हें धोखा दे रही है। और जब मैं सच्चाई बताने के लिए उनके घर गई तो पटेल बहन वहाँ पर पहले से थी दर्श साहब और मालकिन की बेइज्जती करने के लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे बस इतना पता था कि मालकिन और साहिब की बदनामी होते हुए मैं नहीं देख सकती, इसीलिए गुड़दाने की रस्म में निराली बहन की जगह खड़ी हो गई मैं। यहाँ मेरी चकुड़ी का रिश्ता नहीं हो रहा है और इस ग्वालन को मैं महारानी बनके उस घर में राज करने दूंगी। अब रिश्ता आने से पहले रिश्ते के लिए मना कर दूंगी मैं, और वो भी ऐसे कि राजवी रावल ने किए हुए अपमान का बदला भी पूरा हो जाए। मेरे नजरों से दूर हो जाओ। हाय हाय, राजवी बेन, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? ए, आपको तोहफा पसंद नहीं आया? मुझे तो लगा कि आप तोहफा देखकर खुश हो जाएंगे। चुप करिए, आज आप अपनी लाइन क्रॉस कर रही हैं। उस दिन मैंने कुछ नहीं बोला था आपको, तो इसलिए क्यों आप दर्श भाई के पीछे? गेट आउट। देखो, इससे पहले कि सिक्योरिटी तुम्हें यहाँ से फेंक दे, यहाँ से चली जाओ। चली जाती हूँ। राजवी बेन, मुझे तो अभी तक यही नहीं पता चला कि आपको मेरी किस्मत का इतना बुरा लग गया है। और अगर पता होता कि गोलधाना के बाद में आप समझन को ऐसे धक्के मारकर निकालेंगी तो मैं तो यहाँ आते ही नहीं। एक बात समझ लो, तुम लोगों में और हम में कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। तो चाहती हूँ मैं राजवी बेन, सीधी नहीं हूँ मैं कि आपने गोलधाना कर दिया और मैं अपनी लॉटरी की टिकट आपको सौंप दूं। समझ रही हूँ मैं राजवी बेन, समझ रही हूँ। पर अब जब रिश्ता रखना ही नहीं है तो फिर ये गोड़धाने का क्या फायदा है कि नहीं? हाँ, गोड़धाना तोड़ देंगे। पंडित जी को फोन लगा, पता करो गोड़धाना तोड़ने की क्या विधि है। जैसे ही गोड़धाना तोड़ेंगे आपको इत्तला कर देंगे। फॉर नाउ गेट आउट। जय द्वारकाधीश। नहीं चाहिए मुझे पानी। ऐसे लोगों से रिश्ता कराना चाहते थे जहां दिन रात उसकी बेइज्जती हो? हाँ, मुझे दर्श की शादी करानी है, पर इस औरत का दामाद बनाकर उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। क्या शुरुआत हुई है बर्थडे की यार। हैप्पी बर्थडे शुभ। I know 100 times मैं already wish कर चुकी हूँ तुम्हें, but ये एक बारी और। Happy birthday and I love you. I love you too. यार, मैंने भाई के बारे में ना मोम से बात की, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया। अरे बाबा चिल, बर्थडे के दिन कौन ऐसे मुंह लटका कर बैठता है, थोड़ा टाइम तो दो उन्हें। अच्छा ये बताओ, आंटी ने तुम्हें विश किया या नहीं? भाई को लेकर मॉम से डिस्कशन हुई ना, तो इसलिए उनका मूड खराब हो गया, वरना मेरा बर्थडे और मॉम विश ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम होनी है, प्रॉब्लम यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं भाई को उनके प्यार से कैसे मिलवाऊं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।